केलांचल टाइम, हर खबर पर हमारी नजर। नमस्कार, स्वागत है आपका केलांचल टाइम्स में। मैं हूँ आपके साथ वंदना। आइए देखते हैं केलांचल के 10 मुख्य खबरें, जहां पे देश और राज्य से जुड़ी मुख्य खबरें होंगी। राष्ट्रीय आपातकाल जैसी हालात, ऑक्सीजन और दवाओं की कमी पर सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार से मांगा जवाब। मौजूदा स्थिति को राष्ट्रीय आपातकाल के समान बताते हुए चीफ जस्टिस एसए बॉबडे के खंडपीठ ने सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र से ऑक्सीजन और दवाओं की सप्लाई और टीकाकरण को लेकर भी जवाब मांगा है। कोर्ट ने केंद्र से कहा कि वह कोरोना से लड़ने के लिए अपनी राष्ट्रीय स्तर पर तैयार की योजना बताएं। केंद्र ने कहा कि सरकार ऑक्सीजन सप्लाई, जरूरी दवाओं की सप्लाई और टीकाकरण की प्रक्रिया और लॉकडाउन लगाने का अधिकार सिर्फ राज्य सरकार को हो, कोर्ट को नहीं, इन पर जवाब दे। वही ममता बोली, खिलाड़ी नहीं हूं पर खेलना आता है, दिल्ली के गुंडों को नहीं सौंप सकते हैं बंगाल। पश्चिम बंगाल में जारी विधानसभा चुनाव के छठे चरण के मतदान के दिन मुख्यमंत्री ममता बनर्जी बीजेपी और उसके नेताओं पर हमला बोला और ममता ने कहा कि दिल्ली के गुंडों को बंगाल नहीं सौंपा जा सकता। ममता ने कहा कि मैं खिलाड़ी नहीं हूं, लेकिन मैं जानती हूं कि कैसे खेला जाता है। मैं इससे पहले लोकसभा में शानदार खिलाड़ी रह चुकी हूं। सीएम ने कहा, हम अपने बंगाल को दिल्ली के गुंडों के सामने सरेंडर नहीं कर सकते। वही दिल्ली में सांसों का संकट बरकरार, हवाई जहाज से ऑक्सीजन लाएगी आप सरकार। दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने गुरुवार को कहा कि राजधानी के कुछ अस्पतालों में ऑक्सीजन पूरी तरह खत्म हो गई है। दिल्ली में ऑक्सीजन नहीं बनती है, सारी ऑक्सीजन बाहर के राज्यों से आती है। ऑक्सीजन की कंपनियां जिन राज्यों में हैं उनमें से कुछ राज्य सरकार ने उन कंपनियों से दिल्ली के कोटे की ऑक्सीजन भेजने से रोक दी है। केजरीवाल ने कहा कि ऑक्सीजन के बढ़े हुए कोटे में ओडिशा से अभी ऑक्सीजन आना तय है, इसलिए ऑक्सीजन को दिल्ली पहुंचने में कुछ समय लगेगा। हम यह देखने का प्रयास कर रहे हैं कि क्या हम हवाई मार्ग से ऑक्सीजन ला सकते हैं। वहीं रतन टाटा 24 क्रायोजेनिक कंटेनर्स आयात करने का फैसला कर लिए है। कोरोना महामारी के बीच में ऑक्सीजन की किल्लत की खबरें आई तो टाटा ग्रुप की तरफ से रतन टाटा आगे आए। टाटा ग्रुप ने लिक्कस ऑक्सीजन की आवाजाही के लिए 24 क्रायोजेनिक कंटेनर्स आयात करने का फैसला लिया। कुछ दिन पहले ही टाटा स्टील ने घोषणा की थी कि वे राज्य सरकार और अस्पतालों को रोज 200-300 टन लिक्विड मेडिकल ऑक्सीजन भेज रहे हैं। वहीं सीताराम येचुरी के 35 साल के बेटे का कोरोना से निधन, पीएम मोदी ने भी जताया दुख। मार्क्सवादी कम्युनिटी पार्टी यानी कि माकपा के राष्ट्रीय महासचिव सीताराम येचुरी के बड़े बेटे आशीष येचुरी का गुरुवार कोरोना की वजह से निधन हो गया। सीताराम येचुरी के ट्वीट कर जानकारी दी। आशीष येचुरी पेशे से पत्रकार थे और 9 जून को वह 35 साल के होने वाले थे। वह गुरुग्राम के मेदांता अस्पताल में इलाज करा रहे थे। बिहार के 20 जिलों में आगे कुछ घंटों में तूफान वज्रपात के साथ बारिश का अलर्ट। मौसम विभाग के अलर्ट के बीच बिहार के कई जिलों में बारिश और तूफान की भी खबरें आ रही है। बेतिया और गोपालगंज में सुबह से ही बारिश होने के साथ तेज हवाएं चल रही हैं। वहीं झारखंड में लॉकडाउन आज से, चप्पे चप्पे पर पुलिस मजिस्ट्रेट। सीएम हेमंत बोले, मजबूरी में लगाया लॉकडाउन, मुझे क्षमा करें। झारखंड में आज से एक सप्ताह के लॉकडाउन की शुरुआत हो गई है। कोरोना से प्रभावी नियंत्रण के लिए राज्य सरकार ने इस सप्ताह को स्वास्थ्य सुरक्षा सप्ताह का नाम दिया है। सरकार का आदेश जो नहीं मानेंगे उस पर कड़ी कार्रवाई होगी। नियम तोड़ने पर पेंडेमिक एक्ट के अंतर्गत प्राथमिकी दर्ज होगी। वही झारखंड में चीख पुकार, आज 62 मौतें, 5041 नए संक्रमित मिले। झारखंड में कोरोना बेकाबू हो गया है, हर तरफ चीख पुकार मची है। बुधवार को कोरोना ने 62 लोगों की जान ले ली। आज राज्य में 5041 कोरोना संक्रमितों की पहचान की गई है। राजधानी रांची में 1361 पॉजिटिव मिले हैं। वहीं झारखंड मधुपुर उपचुनाव में मतगणना से पहले चुनाव आयोग की बड़ी कार्रवाई, रिटर्निंग ऑफिसर को हटाया। झारखंड सरकार के उद्योग विभाग में अंडर सेक्रेटरी नीरज कुमार सिंह को नया रिटर्निंग अफसर बनाया गया। वे मधुपुर के नए एसडीओ बनाए गए हैं। 2 मई को आएगा मधुपुर विधानसभा उपचुनाव का परिणाम।
वहीं कोरोना पीड़ितों की मदद के आगे आए तेजस्वी यादव, सलाह के लिए जारी की डॉक्टरों की सूची। नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव भी जरूरतमंदों की मदद करने को आगे आए हैं। तेजस्वी यादव ने अपनी पार्टी राजद के चिकित्सा ब्रोकर से जुड़े 13 डॉक्टरों का निर्देश दिया है कि वह महामारी के इस दौर में संक्रमित मरीजों का इलाज करें। इसके लिए उन्होंने अपने सोशल मीडिया पर अकाउंट पर सूची भी जारी की है। केलांचल टाइम्स, हर खबर पर हमारी नजर।